होने के बाद बीजेपी क्या नीति नीति को लेकर खुश हुए, क्या ऐसा लगा कि हमें बीजेपी का दामन थामना पड़ा? हमारे देश के प्रधान सेवक माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी की जो राष्ट्रवादी नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर के और भारत को जो उन्होंने विकसित राष्ट्र के रूप में संकल्पित करने का अभियान चलाया है उसके मद्देनजर ही और उससे प्रभावित होकर के ही मैंने कल हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भजनलाल जी के सानिध्य में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी के साथ उनके द्वारा मैंने भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य बना हूँ और मुझे खुशी है कि जो भारत को आधुनिक भारत को जो विकसित करने के लिए जो उनका प्रण है उसमें मैं सहभागी बन पाऊंगा। क्या लगता है किन किन शर्तों पर भाजपा में दामन थामा, क्या रहा आगे चुनाव को लेकर क्या क्या शर्त है? मैंने कोई शर्त नहीं रखी है और मैं केवल एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा, यही मेरा प्रण है। सर पूरा परिवार जैसे जैसलमेर का गांधी कहा जाता था उनके आप भतीजे, और आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि आपको जो है भाजपा में आना? आज जो कांग्रेस थी, मैं आपको अभी भी कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जो जिसने हमें आज़ादी दिलाई थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसका एक बड़ी अहम भूमिका थी, परंतु उस कांग्रेस में राज की कांग्रेस में बहुत ही अंतर आ चुका है और अब समय आ चुका है कि हमें अगर भारत को आधुनिक भारत को विकसित करना है तो भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा और राष्ट्र को विकसित करना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव जो है होने वाला है, चुनावी उम्मीदवार भी उतर चुके हैं, जैसलमेर की जनता को लेकर भाजपा का कमल खिलाने को लेकर आप कितना आश्वस्त है, जैसलमेर वासियों से क्या अपील करेंगे? देखिए जो इस बार का है मोदी जी का नारा कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 400 से पार होगी और जैसलमेर बाड़मेर में उसे ही कमल खिलेगा।